नमस्कार, उत्तराखंड के खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। चमोली में एक बार फिर से वैक्सीनेशन की खेप पहुंचने के बाद 18 प्लस के लिए दूसरे चरण का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो चुका है। वैक्सीन के खेप के बाद स्लॉट बुक कराने में लोग व्यस्त की गई हैं, तो जिनके स्लॉट बुक हो चुके हैं उन्होंने आज वैक्सीन सेंटरों पर जाकर वैक्सीन लगवाई। वैक्सीनेशन को लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत ने प्रशासन की खूब प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह दूर के इलाकों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर सराहनीय काम किया जा रहा है, जिससे यहां दूर दराज के लोगों को सुविधा उपलब्ध हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। हमारा जो ये क्षेत्र है एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है और यहाँ से हमारे जो बच्चे हैं जो 18 साल से 45 साल के नवयुवक हैं नवयुवतियाँ हैं उनको नारायणगढ़ जाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली में आजकल लॉकडाउन के चलते गाड़ियाँ भी नहीं मिल रही है, तो इस वजह से मैंने विशेष धन्यवाद मैं आदरणीय सीएमओ साहब का और डॉक्टर डिमरी जी का और विशेषकर हमारे डॉक्टर टमटा जी का और उनियाल जी का, आप सब लोगों के सहयोग से ये काम संभव हो पाया। प्रथम तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पे 18 प्लस का टीकाकरण 12 मई से शुरू हो चुका है। हम इसमें बहुत आगे पहुंच चुके हैं। आज हमारे यहाँ पे टारगेट था 90 का, 90 में से हमने 90 लोगों को लगा चुके हैं, उसमें से कुछ प्रधान लोग भी हैं। और हम उसके बाद टीका लगाने के बाद निगरानी कक्ष में रखते हैं उनको, 30 मिनट के लिए अपने देखभाल में रखते हैं, 30 मिनट के बाद उन लोगों को भेजते हैं, उनको PCM के टैबलेट देने की सलाह देते हैं। कुमाऊं मंडल में सबसे ज्यादा कैदियों की संख्या है। इस पर हल्द्वानी में नवनियुक्त जेल अधीक्षक सतीश सुखेजा ने जेल की व्यवस्थाओं और शौचालय को लेकर जानकारी दी। जेल अधीक्षक सतीश सुखेजा ने बताया कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जेल के अंदर स्वच्छता के साथ ही पेयजल और शौचालय व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा जेल की कैंटीन में मिलने वाले मैनुअल कूपन की जगह कैशलेस कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि जेल की कैंटीन में नगद कूपन के माध्यम से कैदियों को मनपसंद भोजन मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ ओवरक्राउडिंग की समस्या है, उन बंदियों को पानी की समस्या है, शौचालय की दिक्कत है, तो पहला कदम तो जेल की साफ़ सफाई, शौचालय की व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था के उसमें उठाया जाएगा। उसके बाद खुद बैरकों का निर्माण होना है जो शासन द्वारा स्वीकृत है, लेकिन अभी प्रक्रिया में है, जल्द ही ये कोरोना के बाद उसमें कार्य शुरू होगा। महानिरीक्षक कारागार का मन है कि सारी जेलों में बंदी कुछ न कुछ काम करें, क्योंकि जब आदमी खाली रहता है तो खाली। हरिद्वार से सटे लक्सर के ग्रामीण क्षेत्रों में नकली दवाइयां बेचने की जानकारी पर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने एक्शन लिया है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मिलकर मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। इस छापेमारी में टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है और कार्यवाही के तहत दो मेडिकल स्टोर पर ताला जड़ दिया गया है। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। फिलहाल मेडिकल स्टोर से निकाले गए सैंपलों को जांच के लिए भेज दिया गया है। कुछ शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर जो है नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं लोगों द्वारा और कुछ नशीली दवाइयों का भी वितरण यहाँ पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के किया जा रहा है, तो इसी के चलते मेरे द्वारा जो है खुर्द और कुतुबपुर खड़ंजा मेजोपुरा यहाँ पर कुछ इंस्पेक्शन किए गए। वहाँ पर लगभग 6-7 मेडिकल स्टोर थे, जिनमें से 3-4 मेडिकल स्टोर मैंने चेक किए हैं, बाकी जो है भाग गए थे। और फिलहाल 2 मेडिकल स्टोर तो मेरे द्वारा बंद कर दिए गए हैं और बाकी 2 मेडिकल स्टोर जो खुले थे उनके पास लाइसेंस था और वहाँ से मेरे द्वारा। कलियर के पिरान क्षेत्र में बेड़पुर गांव में भट्टे पर धड़ल्ले से बड़े पैमाने पर रबड़ जलाई जा रही है। खुलेआम भट्टे पर जलाई जा रही रबड़ पर प्रशासन की नजर इस ओर नहीं पड़ी। इस मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि भट्टों पर रबड़ जलने से गांव में घातक बीमारियां फैल रही हैं और प्रदूषण का स्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। लोगों ने यह भी जानकारी दी कि इलाके में कई बड़े बड़े गोदाम है जहाँ पर पुराने टायरों व रबड़ के जूते चप्पलों के को बाहर से मंगा कर दिन रात काटने का काम किया जाता है। कलियर में एकता सलमानी समाज ट्रस्ट के लोगों ने कोविड-19 का पालन करने की अपील की। ट्रस्ट के लोगों ने जरूरतमंद लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे। वहीं संगठन के जिम्मेदार लोगों ने बताया कि ये ट्रस्ट लोगों की काफी समय से मदद कर रहा है और आगे भी गरीब और बेसहारा लोगों की लगातार मदद की जाएगी।
सैनिटाइजर और मास्क वितरण किए, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। हमने भी देखा है यहाँ पर कि बहुत बाइकों पे साइकिलों पे बिना मास्क के आ जा रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई भाई दहशत ही ना हो, मगर ये बहुत गलत चीज़ है हम लोगों के लिए। हमें जो है मास्क डोंगरे जरूर लगाना चाहिए, एहतियात चाहिए एक तरीके से। लालकुआ में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बाजार खुलवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने कहा कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को मदद देने की जरूरत है, इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि बाजारों को खोलने की इजाजत दी जाए। अब व्यापारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने हमारी परेशानियों का हल नहीं निकाला तो हम सब सड़कों पर उतर कर उग्र प्रदर्शन करेंगे। एक तरफ लालकुआ में ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन लापरवाही की वजह से ओवरलोड वाहन तेजी से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि ओवरलोड वाहनों की वजह से काफी ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। जानकारी मिली कि ज्यादातर रेत भरे ट्रकों की संख्या वहां दिखाई दे रही है। वहीं तहसील क्षेत्र में संचालित क्रेशरों से रोजाना सैकड़ों की संख्या में ओवरलोड ट्रक वहां पर आवागमन करते हैं। वहीं इन क्रेशरों से हर समय ट्रकों का भारी भरकम मेला देखने को मिलता है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात देवेंद्र पिंचा ने बताया कि वाहनों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जल्द ही हमें सफलता मिलेगी। बेसिकली ओवरलोडिंग मेरी जानकारी में शायद ना हो रही हो, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसको भी चेक कराऊंगा, क्योंकि हर जगह बॉर्डर पे आपको पता ही है, चाहे यहाँ हो या उधम सिंह नगर, हर जगह आज की डेट में पुलिस लगी हुई है, हर जगह चेकिंग हो रही है। अगर उनके सामने से ओवरलोड निकल के जा रहा है तो फिर ये गलत बात है, ऐसी कोई होगी तो। मसूरी के केआरकुली गांव में पहुंचकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मेरा गांव मेरी सड़क योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वह शीघ्र ही अपने 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाले हैं। उन्होंने पूर्व कांग्रेसी विधायक पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनके कार्यकाल और भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को जनता देख रही है और मसूरी विधानसभा की तुलना में राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में इतने विकास कार्य नहीं हुए हैं। वहीं जानकारी मिली कि 144 करोड़ रुपए की लागत से मसूरी यमुना पेयजल योजना के साथ कई योजनाएं भी अब चलाई जा रही है। मसूरी विधानसभा का बहुत सुंदर गाँव है, मसूरी से लगा हुआ है और अभी करोड़ रुपए के काम हमने यहाँ पर करा चुके हैं, कुछ चल रहे हैं। आज लगभग 80 लाख की शिलान्यास और लोकार्पण हमने यहाँ पर किए हैं। अभी कुछ मांग पत्र मुझे दिए गए थे, मैंने तुरंत उनको स्वीकृत कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इस नारे को लेकर काम कर रही है। मैं शीघ्र ही अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देने वाला हूँ कि 10 साल के अंदर मैंने मसूरी के लिए क्या किया और 10 साल उससे पहले यहाँ पर कांग्रेस। मसूरी में पर्यावरण दिवस पर जगह जगह वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। आईटीबीपी छावनी क्षेत्र समेत विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पेड़ पौधे लगाए गए। वहीं दूसरी ओर भूमाफियों द्वारा मसूरी में कई जगह खनन के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अवैध खनन से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इलाके में रहने वाले पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि हम अपनी जमीन और पेड़ों को बचा सके। जो इस बार की पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो इको रेस्टोरेशन की थीम है। इको रेस्टोरेशन यानी कि हमारे आसपास जितनी पारिस्थितिकी है उसकी जो डिग्रेडेशन हो रहा है, वायु का, भूमि का, जल का, जो कि सीधा सीधा हम लोगों के ऊपर इफेक्ट डालते। पहले तो ये होता था कि अभी इनडायरेक्ट इफेक्ट है, ऐसा होगा तो फिर इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आज हम लोग हर तरह से परेशानी झेल रहे हैं। बहुत सी पानी से जनित जो बीमारियां हैं, जॉन्डिस। सितारगंज में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अध्यापकों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के बावजूद भी रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से वैक्सीनेशन का काम जारी है। वैक्सीनेशन को लेकर SDM मुक्ता मिश्र ने सेंटर का निरीक्षण भी किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश आर्या, खंड शिक्षा अधिकारी सुषमा गौरव भी मौके पर मौजूद रहे। SDM मुक्ता मिश्रा ने रेडक्रॉस सोसाइटी सदस्यों द्वारा किए जा रहे कार्य की भी सराहना की है। वैक्सीनेशन कैंप अर्बन एरियाज में संचालित हो रहे हैं, उसमें जो रेडक्रॉस सोसाइटी सितारगंज है वो अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रही है। जहाँ पे जो कमी है, स्टाफ की कमी है, मैन पावर की कमी है, सहयोग की कमी है, उसकी पूर्ति रेडक्रॉस सोसाइटी।
हल्द्वानी में कोरोना सहित अन्य बीमारियों के कारण एक महीने में ही 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नगर निगम की ओर से सभी को मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं। नगर निगम के मुताबिक मई महीने में 800 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें 523 पुरुष और 277 महिलाएं शामिल है। कोरोना महामारी के चलते हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल में भारी संख्या में कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कंडपाल का कहना है कि मरने वालों में कई ऐसे लोग भी हैं जो हल्द्वानी से बाहर के हैं और उन्हें इलाज के लिए यहां के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मृतक के परिजन सीएससी सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। जांच के बाद ही ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। नहीं देखिए, जो भी ये मृत्यु जो हल्द्वानी हमारे नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत होगी, तो उनके जितने भी चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हों चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट हों, वो बेस महिला अस्पताल को छोड़कर सारे हमारे द्वारा ही यहाँ से निर्गत किए जाते हैं। तो ये जो भी निगम के अंदर जितनी भी डेथ हुई हैं, नगर निगम क्षेत्र के अंदर जितनी भी डेथ हुई हैं, विकास नगर तहसील क्षेत्र के यमुना नदी पर 120 मेगावाट क्षमता से जल विद्युत परियोजना का काम अंतिम चरण में है। यमुना घाटी बांध लखवाड़ व्यवसायी प्रभावित समिति के बैनर तले लोहारी गांव के लोगों ने व्यवसायी प्रोजेक्ट साइट पर अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। लोगों ने परियोजना का काम रुकवा दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर कार्यवाही नहीं की जाती तब तक उनका विरोध प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि व्यवसायी परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने के दौरान शासन प्रशासन के द्वारा प्रभावित लोहारी गांव के लोगों को आश्वासन दिया गया था कि उनकी सभी मांगों पर जल्द कार्यवाही की जाएगी, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कार्यवाही नहीं की गई है। इस मामले में हमारे संवाददाता ने भी बांध प्रभावित ग्रामीणों से भी बात की। हरी गांव के ग्रामीण हैं, यहाँ पर आए हैं जो हमारा व्यासी प्रोजेक्ट है, इसमें इनके जो भूमि उसमें डूब क्षेत्र में आने वाली है उसके तहत इनकी कुछ मांगे हैं, समस्याएं हैं, तो उसी पे आज उसी के संबंध में हमने इनके गांव से एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया था, तो जिससे अभी वार्ता की गई है और कल भी इनके साथ वार्ता की गई थी। तो अभी जो भी इनकी समस्याएं, जो भी इनकी बिंदु हैं, उन पर हमने वार्ता की है और हमने हम भी अपने उच्चाधिकारियों तक के उनकी जो समस्याएं हैं वो मैसेज पहुंचा रहे हैं और साथ में मैंने ग्रामीणों से भी अनुरोध किया है कि वो भी आपस में विचार करके, कुछ पॉइंट्स हमने भी रखे हैं कि उनको भी वो आपस में विचार करके एक सहमति बने और सहयोग से फिर इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाए, जिससे गांव वालों का भी कोई नुकसान ना हो और उनकी समस्या का भी हल हो जाए और परियोजना भी चलती रहे। विकास नगर तहसील क्षेत्र के यमुना नदी पर बन रही 120 मेगावाट क्षमता की जो प्यासी परियोजना का काम अंतिम चरण में है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो बैराज है वो डैम का जो बैराज है वो बनके तैयार हो गया है। और सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ कि जो इस डैम से जो प्रभावित ग्रामीण हैं वो यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि डैम तो बनने को अंतिम चरण में है लेकिन सरकार से उनका जो समझौता हुआ था या विस्थापन के लिए जो समझौता हुआ था उनका पूरा हुआ नहीं, पूछते हैं उनसे क्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग धरने पे बैठे हैं, ये जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है, जमीन के बदले जमीन हमारा जो पहला मुद्दा है, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे जो है। और हमारा कुछ वो भी है, हमारे बच्चे हैं, ये सब बेरोजगार लोग हैं और इनका भी कोई वो नहीं हो रहा है कि भाई किसी को रोजगार नहीं दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं जो है। जब अभी नहीं देंगे, जब अभी डैम चल रहा है, अभी काम बचा है, 1% 2% बना है, डैम होने के बाद तो हमको कोई पूछेगा नहीं। फिर तो सरकार से क्या कमेंट था आपका? सरकार ने ये कहा था कि भाई मैं सरकार कैबिनेट में भी प्रस्ताव पास कर रखा हो कि हम जमीन के बदले आपको जमीन देंगे, जीवनगढ़ रेशम विभाग की जमीन देंगे, लेकिन आज जो सरकार और विभाग आनाकानी कर रहा है, जब तक हमको जमीन के बदले जमीन नहीं मिल जाती है तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, चाहे सरकार जो मर्जी कर ले, कुछ भी कर ले। क्या चाहते हैं आप? हम लोग जमीन के बदले जमीन चाहते हैं। अच्छा। और यदि हमें जमीन नहीं मिली तो यहीं जल समाधि लेंगे। हमारी दो मुख्य मांगे हैं, जमीन के बदले जमीन और बेरोजगारों को रोजगार। गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो भी आई यही वादा करते रही कि आप लोग काम चलने दो और हम आप लोगों को अच्छी जगह विस्थापित करेंगे, आपके अनुसार जो आपको उचित लगेगा वहीं विस्थापित करेंगे और जो आपके यहाँ सब पर परिवार को रोजगार देंगे। क्या रोजगार दिया? लेबर काम दिया। ये रोजगार होता है? 6-4 महीने कराया काम, उसके बाद बोला जाओ तुम घर जाओ, तुम्हारा तुमको निकाल दिए गए हैं।
यदि रोजगार देना है तो रोजगार के हिसाब से दो। मैं अपने कैमरामैन से बोलता हूँ कि जरा दिखाइए कि लोग जो है धरने पे बैठे हुए हैं, इनको जो है ये बांध प्रभावित हैं, इनका जल जंगल जमीन सब कुछ इस जो आने वाले समय में इस परियोजना से, जल विद्युत परियोजना से डूब जाएगा, और इनको जो है सरकार ने अभी तक विस्थापन नहीं किया है, और अब देखना है कि इस बांध जो बन रहा है इससे प्रभावित लोगों को जो विस्थापन होता है कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। उत्तराखंड से प्राइम टीवी न्यूज चैनल है विनोद। लालकुआ में पर्यावरण दिवस के अवसर पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया। इस दौरान यूनियन के कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने लोगों को संदेश दिया कि पेड़ मानव जीवन और सृष्टि के समस्त प्राणियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पेड़ों के बिना मानव जीवन सिर्फ कल्पना मात्र है। खास बात यह है कि पौधे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सितारगंज में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में पहले से कुछ कमी आई है। बॉर्डर पर अभी भी लोगों की जांच की जा रही है और लोगों को बिना कोरोना रिपोर्ट के इलाके में आने की इजाजत नहीं मिल रही है। साथ ही पुलिस चेकिंग अभियान भी चला रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के नियमों का पालन करें। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।